टॉप 20 के बाद आज की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीधे आपको पंचकुला की तस्वीरें दिखाते हैं जहां किसान आंदोलन महीने पूरे हो गए हैं और ये पंचकुला की लाइव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं मार्च किसान कर रहे हैं, पंचकुला की ये लाइव तस्वीरें आ रहे हैं। 7 महीने से आप कह सकते हैं घमासान चल रहा है और 26 तारीख जी हाँ एक अहम दिन है किसानों के लिए और 26 की वजह से आज बड़ा प्रदर्शन देश भर में हो रहा है। जितने गवर्नर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, सबको ज्ञापन देने की बात है, सबका घेराव करने की बात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ट्रैक्टर्स के साथ आए। आप ये देखिए फोर्सेस, एक तरफ जहां मार्च चल रहा है दूसरी तरफ फोर्सेस जी हाँ सिक्योरिटी देख लीजिए। ये पंचकुला की तस्वीरें हैं, एक तरफ जहां किसान मार्च कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ फोर्सेस भी मार्च कर रही है। यानी अगर दो सड़कें हैं इन और आउट की तो एक तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ किसानों का हुजूम दिखेगा और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस दिखेंगी। जी हाँ, ये पंचकुला की लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लग रहा है ये रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे आगे शायद हमको नहीं जाना है, यहीं तक की परमिशन है, इसलिए आप देखिए ये रोकने की कोशिश हो रही है। आज आईबी और इंटेलिजेंस का भी अलर्ट है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, आईएसआई का हाथ भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ वारदात को अंजाम दिया जाए। 7 महीने पूरे हो रहे हैं किसान आंदोलन को, ऐसे में आज देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, फिलहाल पंचकुला की तस्वीरें जहां किसान मार्च कर रहे थे। लेकिन किसान नेताओं में से कुछ थे जो हमने विजुअल्स में देखा कि एक समय और एक सीमा के बाद उनको रोका गया है, कहा प्रदर्शन यहीं तक होगा, इसके आगे मत जाइए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी पीछे आ गई है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट ठीक ठाक है पूरे देश में जहां जहां इस तरीके के अलर्ट थे, और कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से आज किसानों का प्रदर्शन हो जाए। पंचकुला की ये लाइव तस्वीरें, हम आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाएंगे, विकास साहब क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे आपको, पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल पंचकुला की लाइव तस्वीरें और राजभवन तक पैदल मार्च की परमिशन मांगी है, लेकिन राजभवन तक जाने मिलेगा कि नहीं ये मुझे लगता है मुश्किल होगा, उससे पहले ही रोक दिया गया है और किसान खुद भी नहीं चाहते किसी तरीके की आप कह सकते हैं झड़प हो फोर्सेज के साथ, क्योंकि एक बैड मैसेज गया था 26 जनवरी की घटना के बाद। तो किसान भी आज सतर्क हैं और आपने देखा इन तस्वीरों में भी कि कैसे किसान मार्च करके आ रहे थे और इन्हीं के साथ के जो किसान थे उन्होंने ही रोका कि हमारी लक्ष्मण रेखा यहीं तक है, इसके आगे जाएंगे तो शायद गलत होगा। ये तस्वीरें पंचकुला से आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं जहां राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं किसान। सीधे चलते हैं पंचकुला, हमारे संवाददाता विपिन परमार हमसे जुड़ रहे हैं। विपिन, तस्वीरें हम लाइव देख रहे हैं जहां पर किसान मार्च कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि खुद ही कुछ किसान आ गए, उन्होंने रोक दिया। राजभवन तक जाने की परमिशन क्या है, वो राजभवन तक जा सकेंगे, अपना मेमोरेंडम अपनी मांगे क्या वो दे पाएंगे? विपिन, देखिए रजत, ये कुछ ही देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पंचकुला और चंडीगढ़ का बॉर्डर है। चंडीगढ़ के तमाम 13 के 13 बॉर्डर जो कि पंजाब और हरियाणा के साथ चंडीगढ़ को जोड़ते हैं उन्हें सील कर दिया गया है। ये वो महत्वपूर्ण बॉर्डर है जहां से नाडा साहिब गुरुद्वारा से किसान सुबह से इकट्ठा हो रहे थे, अब वो लगातार माजरी चौक पहुंच चुके हैं और कुछ ही 5 से 7 मिनट का समय और है जब यहां पर पुलिस के और किसान जो है वो आमने सामने होंगे। ऐसे में प्रयास यही किया जा रहा है कि एक प्रतिनिधि मंडल को जो है यहां से 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल ले जाकर जो है वो राज्यपाल से उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनका जो ज्ञापन है वो सौंपवाया जाए। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि किसान क्या उसको लेकर मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये कुछ ही देर के बाद जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पर एंटी रॉयड मशीनरी की हैवी डिप्लॉयमेंट है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरियाणा पुलिस की और दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस की ही इतनी ही तैनाती जो है वो बॉर्डर पर की गई है। जी रजन, ठीक है विपिन, ये आपने एरियल व्यू दिखाया और खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई किस तरीके से फोर्सेज डिप्लॉय है, फोर्सेज गाड़ियों के साथ है, बैरिकेटिंग की गई है और कोशिश यही है कि आज पूरा दिन शांति से निकल जाए। विपिन, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, कोई भी अपडेट होगी हम वापस आपके पास आएंगे। विपिन परमार पंचकुला से बता रहे थे कि किसान का आंदोलन कैसे चल रहा है।